हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा फ़ोन है तो लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में लैंग्वेज इनपुट सेटिंग है तो लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन ही आएंगे, फिर सेटिंग्स पे जाएंगे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आती है। तो जो हमारे फ़ोन में लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग्स है तो लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग्स को सेट कैसे करेंगे, सिंपल आपको सर्च करना है लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग। तो यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो शो होते ही आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो लैंग्वेज इनपुट सेटिंग्स को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेजेस को आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लैंग्वेज को ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके आप इसको स्लाइड करके चेंज भी कर सकते हैं, तो लैंग्वेज हमारी चेंज भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। और साथ में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सेटिंग्स आ गए, जहाँ से जीबोर्ड या कीबोर्ड्स वगैरह को आप सेट कर सकते हैं अपने तरीके से करना चाहते हैं, या फिर मैनेज कीबोर्ड्स को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है फिज़िकल कीबोर्ड सेटिंग। तो जो फिज़िकल कीबोर्ड सेटिंग्स है उसको भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी चेक कर पाएंगे। और साथ में आप स्पेल क्रैकर सेटिंग शो होते हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक के हमारे काम आती है, इसको आप ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पर्सनल डिक्शनरी, तो अपनी पर्सनल डिक्शनरी बना के आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पॉइंटर स्पीड। तो जो हमारी फ़ोन की पॉइंटर स्पीड है उसको आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। या टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट सेटिंग्स होती है उसको भी यहाँ से सेट करना चाहते कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज इनपुट सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए।